हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुमित्रास किचन। आज की रेसिपी है चीज चिली टोस्ट। बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और ये सभी का बहुत ही ज्यादा फेवरेट रेसिपी है, खासकर बच्चों का। तो चलिए आज अपने बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड लिया है, आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। और यहाँ पर टमाटो सॉस में मैं मेयोनीज मिक्स कर रही हूँ और इसे मैं इसके ब्रेड के ऊपर अप्लाई करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर आप बटर यूज़ कर सकते हैं। तो इस मैंने यहाँ पे बटर की जगह मैं यहाँ मेयोनीज और टमाटो सॉस स्प्रेड कर रही हूँ। तो हमें इक्वल क्वांटिटी में अच्छे से ब्रेड के ऊपर इसे स्प्रेड कर देना है। मेयोनीज और टमाटो सॉस का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। साथ ही ऊपर डालेंगे हम बहुत ही ज़्यादा बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर और स्प्रिंग अनियन और थोड़े से ग्रीन चिलीज। और मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चीज़ स्लाइस। तीनों के ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस रख दिया है और फिर चीज़ के ऊपर मैं रख रही हूँ बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, थोड़े से अनियन और भी डाल दिया और बेबी कॉर्न। फिर डालेंगे ओरिगैनो और थोड़ा थोड़ा सॉल्ट मैंने यहाँ पे स्प्रिंकलिंग किया हुआ है। फिर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स। यहाँ पर मोज़रेला चीज़ मैंने पहले ही ग्रेट करके रखा हुआ था, इसे भी अच्छे से काफ़ी सारा हम ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और थोड़ी थोड़ी मैंने हरी धनिया पत्ती डाली है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तवे पे बना रही हूँ, तो तवे पे मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल स्प्रिंकलिंग किया है और तीनों जो ब्रेड स्लाइस है इसे यहाँ पर प्लेस कर दूंगी। और इसे हमें 6 to 7 मिनट के लिए कवर करके अच्छे से कुक कर लेना है। इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमें कुक करना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। ब्रेड स्लाइस को क्रिस्प करने के लिए एक ही तरीका है कि हम बिल्कुल तवा को मीडियम यानी कि लो फ्लेम पे बिठा कर रखें और तुरंत ही उसके ऊपर ब्रेड स्लाइस रख कर इसे ढक दें, तो वो धीरे धीरे तवा जिस तरह गर्म होता रहेगा उसी वैसे ही ब्रेड भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा ब्रेड जो है वो रेडी है, चीज़ टोस्ट हमारा रेडी है। मैंने इसे निकाल लिया है, अब इसे हम कट कर लेते हैं। इसमें देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी साउंड आ रहा है, मतलब ब्रेड हमारा बहुत अच्छे से क्रंची और क्रिस्पी बना है। तो है ना कितना आसान बनाना। तो इसे हम कभी भी बनाकर बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स में आप खा सकते हैं या सुबह ब्रेकफास्ट में भी ये बहुत अच्छा जाता है। तो देखिए कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गया। तो आप भी झटपट इसे बनाकर अपने बच्चों को सरप्राइज़ करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक बटन दबाकर लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें जो मेरे नए फ्रेंड हैं चैनल पे। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।